नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, यदि आपका बैंक खाता जो है वो NPCI से लिंक नहीं है और कोई भी सरकारी पैसे DBT के माध्यम से जो आते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से जो आते हैं, जैसे राशन कार्ड, गैस सब्सिडी, PM किसान, स्कॉलरशिप, जैसे कई पैसे है दोस्तों जो कि DBT के माध्यम से आपके खाते में सीधे ट्रांसफ़र किए जाते हैं सरकार के द्वारा, और वो पैसे नहीं आ पा रहे हैं आपके खाते में और काफ़ी आप परेशान हैं, तो दोस्तों बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा प्रोसेस बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से आप जो है वो अपना खाते को NPCI से लिंक कर सकते हैं। दोस्तों, आप यदि आधार कार्ड की वेबसाइट के माध्यम से जाकर के चेक करते हैं और यहाँ पे आपको इस तरह से लिख करके आ जाता है, बैंक लिंकिंग स्टेटस में आपको नॉट अवेलेबल या फिर NA लिख करके आता है, या फिर दोस्तों हो सकता है कि आपका आपके केस में ये लिख करके आता होगा रेड कलर में कि योर आधार इज़ नॉट लिंक विथ बैंक, सीधा लिख करके आता होगा कि योर आधार इज़ नॉट लिंक विथ बैंक। इसका कहने का मतलब है कि सीधा सीधी बात ये है कि आपका जो बैंक है वो NPCI से लिंक नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपको छोटा सा एक प्रोसेस बता देता हूं जिससे आप इजीली जो है वो NPCI से अपने खाते को लिंक कर सकते हैं। देखिए, कई सारे यूट्यूबर्स आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे जो कि आपको ऑनलाइन प्रोसेस बता देते हैं कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करो आपका NPCI से लिंक हो जाएगा, लेकिन मैं आपको जेन्युइनली बताऊँ दोस्तों, आप NPCI के माध्यम से ऑनलाइन करने का भी कोई भी प्रोसेस नहीं है, और ऑनलाइन किसी तरह से आप छेड़छाड़ करने का प्रयास करते हो दोस्तों, तो ये लोग जो है वो आपकी जानकारी केवल हासिल कर लेते हैं। कई वेबसाइट्स फर्जी भी होते हैं जो कि आपकी जानकारी को ये लोग जो है वो अपने पास ले लेते हैं और उसका गलत भी उपयोग कर सकते हैं। सो दोस्तों, बस एक जेन्युइन प्रोसेस ये है कि आपका जिस भी बैंक के अंदर आपका अकाउंट है उस बैंक में आपको जाना है, ठीक है। जिस भी बैंक के अंदर आपका अकाउंट है उस बैंक में आपको जाना है और उस बैंक मैनेजर से आपको बात करनी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, आपको क्या करना है कि आधार कार्ड का जो फोटोकॉपी है उसे आधार कार्ड का फोटोकॉपी करवा लेनी है और एक एप्लीकेशन लिखना है। अब एप्लीकेशन में क्या लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको लिखना है कि सेवा में श्रीमान बैंक प्रबंधक, जहाँ के भी होंगे, अपना जो भी ब्रांच का होगा वो ब्रांच का नाम डाल देना है। उसके बाद लिखना है, महोदय मेरा जो खाता है वो NPCI से लिंक नहीं है, ठीक है। मेरा खाता NPCI से लिंक नहीं है जिसके कारण से जितने भी DBT के पैसे आते हैं, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू पैसे आते हैं, वो हमारे खाते में नहीं आ पा रहे हैं। अतः दोस्तों, आपको लिखना है कि अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे खाते को NPCI से लिंक करने की कृपा करें। और उसके बाद दोस्तों, आपका नाम डाल देना है और सीधा नाम डालने के बाद आपका अकाउंट नंबर लिख देना है और आपका आधार नंबर लिख देना है, ठीक है। कुछ भी इसके अलावा आपको नहीं करना है दोस्तों। सिंपली एप्लीकेशन में बस आपको ये बता देना है कि मेरा जो खाता है वो NPCI से लिंक नहीं है, सो आप इसे NPCI से लिंक करने की कृपा करें। उसके बाद दोस्तों, आपका आधार कार्ड का जो फोटोकॉपी है उसे दोनों को पिनअप कर देना है और बैंक मैनेजर को देना है, ठीक है। ध्यान रहे दोस्तों, बैंक मैनेजर को ही देना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी ऑफिसर्स होते हैं जिनको NPCI के बारे में पता नहीं होता है, तो बैंक मैनेजर को आपको बताना है कि NPCI से हमारा लिंक नहीं है। हो सकता है कि आपका खाता में आधार कार्ड पहले से लिंक हो, लेकिन वो आपका खाता में लिंक होगा, NPCI से लिंक नहीं होगा। सो उनको बताना है कि हो सकता है कि मेरे खाते से लिंक हो लेकिन NPCI से ये लिंक नहीं है, तो इसको NPCI से लिंक कर दें। तो वो लोग क्या करेंगे दोस्तों, सिंपली जो है वो आपका आधार कार्ड का जो नंबर है ना, आपके खाते में जा कर के वो एक बार फिर से रिफ्रेश कर देते हैं, फिर से एक बार आपको अपडेट कर देते हैं। तो बस दोस्तों, केवल सिंपल सा प्रोसेस है, वो लोग जो है वो एक बार फिर से आपका खाते के अंदर आधार कार्ड जो है उसको अपडेट मार देते हैं, और जैसे ही अपडेट कर देते हैं दोस्तों, 24 घंटे के भीतर आपका जो खाता है उसके साथ में NPCI का लिंक हो जाता है। और फिर यदि आप आधार कार्ड की वेबसाइट से जा करके चेक करते हैं तो यहाँ पर आपका बैंक लिंकिंग स्टेटस जो है वो यहाँ पर दिखा देगा कि आधार नंबर का लास्ट का 4 डिजिट यहाँ पर दिखा देगा, और यहाँ पे बैंक लिंकिंग स्टेटस में एक्टिव लिखा रहेगा। उसके बाद बैंक लिंकिंग डेट, मतलब जिस डेट को आप बैंक से लिंक करवाए होंगे अपना खाता को, वो यहाँ पे दिख जाएगा। और बैंक का नाम, जिस भी बैंक के अंदर आपका खाता होगा, जैसे अलाहाबाद बैंक हो गया या फिर बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो भी बैंक के अंदर आपका जो खाता है वो बैंक का नाम यहाँ पर शो हो जाएगा। तो इस तरह से ईजिली जो है वो आप जा कर के अपना जो आपका ब्रांच होगा, जो आपका बैंक होगा, वहाँ पर जाकर के इजीली अपना खाता को NPCI से लिंक कर सकते हैं। और ये एक जेन्युइन प्रोसेस है दोस्तों, ये एक सबसे बढ़िया प्रोसेस है। ऑनलाइन कोई भी प्रोसेस नहीं है जिसके माध्यम से आप NPCI से लिंक जो है वो कर सकते हो। उम्मीद करते हैं दोस्तों, सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई समस्या रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।